क्या शिक्षा विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है? जर्जर हो चुके स्कूलों के भवन बारिश के मौसम में भरभरा कर गिर रहे हैं। कलेक्ट्रेट से सटे सगीर फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज के भवन का एक हिस्सा रात को बारिश के दौरान भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि ये बिल्डिंग रात को गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मंगलवार को कलेक्ट्रेट के पास सागर फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग का एक हिस्सा मंगलवार की रात को गिरकर जमींदोज हो गया। यह गिरा हुआ हिस्सा 30 साल पहले बनाया गया था। गनीमत रही कि स्कूल के समय यह हादसा नहीं हुआ। स्कूल की प्रधानाचार्य सहीबा को इस बात का मलाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार स्कूल के भवन की मरम्मत के लिए फंड नहीं दे रहा है। कल रात में भारी वर्षा के कारण हमारी ये स्कूल की बिल्डिंग अचानक धस गई, जिसकी वजह से जो है माल का तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ये था कि यहाँ स्कूल तो बंद था, जिसकी वजह से जान नहीं गई कोई भी, सब बच गए सुरक्षित। बहुत बड़ा हादसा चल गया ये समझ लीजिए। देखिए बरसात की भारी वर्षा के कारण ऐसा हुआ है। बिल्डिंग के तो आसार बहुत मजबूत थे। अब यह है कि किसी जगह पर किसी कोने में जो है कहीं पानी रिस रहा होगा, जिसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग बैठ गई। जबकि हम लोगों ने क्लासेस हटा दी हैं, यहाँ से क्लासें यहाँ नहीं लगती। नीचे लैब थी वो भी हटा दी गई, उसके ऊपर दो क्लासेस लगती थी हमारी, वो हटा दी गई। सिर्फ ये ऊपर का हॉल था जिसमें 4-5 लड़कियाँ जो है सामने बैठती थी, थोड़ा सा फर्नीचर था। जिम्मेदार तो हम, ये है कि जिम्मेदारी की क्या किसको कहेंगे हम। हमारे पास ये जितना हो सकता है हम लोग करते हैं हर तरह से। अब मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ी एकदम जिम्मेदारी लाद दी जाएगी कि वो कर रहा, उस उन्होंने क्यों नहीं किया। थोड़ा बहुत पैसा होता है हम लोगों के पास, जो लगाया जाता है स्कूल में, वो भी अपने मैनेजमेंट अपने पास से लगाता है। सागर फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैनेजर हाजी जमील कुरैशी का कहना है कि जिला प्रशासन और प्रशासन को बिल्डिंग की मरम्मत के लिए कई बार पत्र लिखे गए हैं और उनका स्कूल सरकारी मान्यता प्राप्त है। कॉलेज के मैनेजर को स्कूल के भवन की मरम्मत के लिए धनराशि चाहिए, लेकिन सरकार ने पिछले 30 सालों से स्कूल को किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी है। ना ये जो है हैवी रेनिंग फॉल हुआ, भारी वर्षा के कारण ये घटना हुई और उससे जो है पानी इतना बरसा कि ज़मीन धसक गई और जो है 3 मंजिला बिल्डिंग जिसमें ऑडिटोरियम था, कल वहाँ ऑडिटोरियम में साइंस की जो है एग्जीबिशन थी, करीब 150-200 बच्चे थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। मैंने बच्चों को हटाया कि चलो, ऐसा कोई इम्कान नहीं था बिल्डिंग में कि जाएगा, लेकिन रात को बिल्डिंग गई। अगर ये कल हादसा हो जाता तो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का हादसा होता, कितने बच्चे मरते, कितनी लाशें जाती। उसके बाद नीचे क्लासेस थी उसके, वो क्लासेस भी ध्वस्त हो गई। उसके नीचे लैब थी, एक लैब जो है साइंस की उधर शोभिया कॉलेज की, वो लैब भी ध्वस्त हो गई। 38-39 नंबर कमरे थे, बहुत बड़े बड़े हॉल, वो सब गिर पड़े पानी के अंदर। करीब मैं समझता हूँ 1.5-2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी रक्षक है। हाँ, अनुदानित है, सरकार तनख्वाह देती है। टीचर क्या एप्लीकेशन वगैरह दी है? हाँ हाँ, हमने DM साहब को लिखाया, कहाँ है वो दरख्वास्त, और DM साहब को लिखा है, DIS को लिखा। मंगलवार की रात्रि कलेक्ट्रेट के पास सागर फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज का एक हिस्सा भर भरा कर जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि हादसा स्कूल टाइम पर नहीं हुआ, बच्चे पढ़ रहे होते तो शायद बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। स्कूल प्रशासन लगातार प्रशासन के लिए कई सालों से बिल्डिंग की मरम्मत के लिए पत्र लिख रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सी न्यूज के लिए मनीष जैन की रिपोर्ट।